धुंध आने लगी है अब। राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं उठ चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। तो अब चलते हैं जिम। और ये देखो मौसम धुंध आने लगी है अब तो, आ जाई थोड़ी थोड़ी, बाकी आगे भी देखने को मिलेगी हमें धुंध। मैं पहुंच चुका हूँ जिम, ये रही पीछे। और ठंड लगती है यार हम आते हुए बहुत ज़्यादा। चलो अब चलते हैं और वर्कआउट करते हैं अपना। वर्कआउट मेरा भी कंप्लीट हो गया, बैक और बाइसेप की आज। और जिम में इस टाइम कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ बस। तो स्ट्रेचिंग बाकी है, स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। जिम से तो मैं बाहर आ चुका हूँ और अब चलते हैं, कार वॉश करवानी है ना, तो उस भाई के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं अगर टाइम है तो कब लेकर आऊँ, या उसका नंबर लेकर आऊँगा तो उसको कॉल करके पूछ लेंगे जैसा भी होगा। अगर है तो वकील साहब को फ़ोन कर दूँगा कि गाड़ी लेकर आ जा, वो आ जाएगा फिर। यहाँ पे इस टाइम तो कोई गाड़ी है नहीं, तो भाई से बात हो गई, वो बोल रहा है लेकर आ जा गाड़ी, तो देखते हैं। चलो अभी पहले घर जाता हूँ फिर आता हूँ उसके बाद। मैं आ गया था घर, और घर आकर जल्दी से अपनी डाइट ली, नहाया और गाड़ी स्टार्ट की, और अब चलते हैं धुलवाने के लिए चलते हैं अब चलें। क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया, उसके पास अगर कोई और आ गया ना फिर 2-3 घंटे का फिर वेट करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है मैंने उसको बोल दिया मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कोई गाड़ी और मत पकड़ना। तो बोलते आ जा कोई बात नहीं। मैं गाड़ी लेकर आ चुका हूँ अपनी, तो यहाँ पर गाड़ी लग गई थी तो ये मैंने नीचे उतरवाई। हाँ भाई मैं भूल कर गया था, तो सबसे पहले मेरी वॉश करो फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी कोई, तो ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं अपनी पे, 10-15 मिनट। अपनी गाड़ी पे काम स्टार्ट हो चुका है और रही दूसरी गाड़ी, तो पहली बुकिंग करवाने का यही फ़ायदा है ना। अपनी गाड़ी हो चुकी है वॉश, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब, तो अब चलते हैं घर। मैं आ चुका हूँ घर, और ये देखो अभी तो सही लग रही है। अब इसको ना कवर कर देंगे ताकि गंदी ना हो, और देखते हैं यार रबिंग करवाएंगे, इसकी करवानी ही पड़ेगी, ये जो है सब निकल जाएंगे, करेंगे प्लान रबिंग का भी। मैं आया था घर, थोड़ी देर बैठा और मम्मी बोलने लगी सामान लेकर आना है, तो क्या क्या सामान लेकर आना है वो आपको दिखाता हूँ। मुरमुरे, खिल्ला, पतासे, संदारा जाएगा ना, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते, वैसे तो मिल जाएंगी तो दुकान पर जाकर मिलते हैं। मैं ये सब लेने आया था, खिल्ला, मुरमुरे, तेल, पतासे। तो भाई मैं अपना सामान लेकर आ चुका हूँ, ये कल चावल भी घेर कर आया था ना, चावल भी ले आया हूँ, और साथ में इसी के अंदर पड़े हैं अपने खेल पतासे। मैं घर से निकल आया हूँ, साथ बाइक भी उठा लाया हूँ, तो मैं निकल चुका हूँ मार्केट के लिए, दाढ़ी की सेटिंग शूटिंग करवा कर आते हैं। दाढ़ी बड़ी हो गई थोड़ी, मुझे बड़ी लग रही है, तो अब चलते हैं सब में और अपनी दाढ़ी सेट करवाते हैं। दाढ़ी दूढ़ी सेट करवा ली, तो अब यहाँ से चलते हैं घर। FZ चब भी कहाँ लगा, अच्छी हो रही, चब भी कहाँ है क्या इसका, और इसकी लाइट बल्दी रह गई क्या है यार, ये तो गलत है, मॉडिफाई कराऊंगा। ये FZ है 3.0 वर्जन, ठीक है, ओ, और जो हमारे वाली है वो है 2.0 है, वो ये 3 है। लुक यार मैंने सीट वाली अच्छी नहीं लगी थोड़ी, है कंफर्टेबल नहीं है ये ठीक कर रहा है, अच्छा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ नक्शा का यहाँ पर ही हमको फोल्ड, वैसे ही यार गड्डी अच्छी, इसका इनर नीचा कर दिया बिल्कुल ही, नहीं ऊपर तो है पर जैसे मारे वाली क्या जो वाली है इंटीरियर का ले रहे हैं, हाँ उसका पूरा ही है, उसका पूरा है,
वो लेना, वो लगवाना। हाँ वो पूरा है ठीक है, जो इतना क्योंकि बीच का टायर बस वो है ना, कवर नहीं है बस। बाकी सही है यार, देख लेंगे तो बोल का। तो भाई हम चले हैं अभी घर, डब्बे लेकर चले हैं आज तो हम। मैं आ चुका हूँ घर, अभी लेकर आया था डब्बे डुब्बे। मैं दोबारा गया था यार, मैं एक बार घर आ चुका था, फिर मैं दोबारा गया भाई को लेकर गया डॉक्टर के पास, दवाई लेनी थी भाई को। और मैं ये चीज़ भूल गया था कि ये भी लाने थे ना मुझे, क्योंकि कल को मैं जाऊँगा बहन के पास, तो संधारा लेकर जाना है ना कल, तो ये सामान आज ही ले आया मैं। ये बनवाए थे पहले ही, बोल दिया था कि तैयार कर देना हमारी मिठाई, तो कल लेकर चलेंगे। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, मैं वकील साहब अंकल और भाई ने मिलकर, हम काफ़ी देर बैठे रहे बातें की हमने, तो पता नहीं चला रात कब हो गई। चलिए इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय, टेक केयर।